तो इसी के साथ हम लोग निकल रहे हैं बड़बिल से और हम लोग जा रहे हैं आज बहुत ही अच्छे से जगह पे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग, दिस इज तेज कर्माकर, स्वागत है आपका और एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं मुर्गा महादेव, भगवान शिव जी के दर्शन करने। मुर्गा महादेव एक्चुअली पश्चिम सिंहभूम और उड़ीसा के सबसे चर्चित शिव मंदिरों में से एक है, जहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जाती है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम और उड़ीसा के बॉर्डर में ये नौमुंडी से करीब 7 किलोमीटर और केंद्र टाउन से ये करीब करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर अवस्थित है। मुर्गा महादेव मंदिर के नामकरण के बारे में अगर बात करें तो इस मंदिर का नाम जो है भगवान मुर्गन और भगवान शिव जी के नाम पर रखा गया था, जो कि द्रविड़ भाषा में भगवान कार्तिकेय को मुर्गन के नाम से जानते हैं और शिव यानी कि हमारे महादेव, तो इस तरह से इस मंदिर का नाम जो है मुर्गा महादेव रखा गया था, जो कि आज से करीब 100 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और यह यहाँ के लोकल आदिवासी जनजातियों के बीच ये एक बहुत ही बड़ा एक आस्था का केंद्र बना हुआ है आज भी। तो आज हम लोग उसी मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और भगवान शिव जी के भी हम दर्शन करेंगे। तो अगर आप भी शिव जी के दर्शन करना चाहते हैं तो इस ब्लॉग में इसी तरह से आप बने रहिए। तो हम लोग बड़बिल से निकल चुके हैं और फिलहाल हम लोग सरेंडा, भद्रासाई, जोड़ा और बिलईपदा क्रॉस करते हुए इसी तरह से अपने रूट को फॉलो करेंगे। हमारे घर से, जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, हमारे घर से करीबन 24 किलोमीटर दूर वो मंदिर है। तो फिलहाल अपने रूट को इसी तरह से हम लोग फॉलो करते रहते हैं, गूगल मैप हमने लगा लिया है और उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं भद्रासाई ट्रैफिक स्क्वायर पे और यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट और सीधे चले जाएंगे मुर्गा महादेव मंदिर की ओर। और कहीं आपको जाम मिले ना मिले, इस जगह पे आपको ट्रकों का थोड़ा सा जो जाम देखने को हमेशा मिल जाएगा। ये है राणासाही घाटी, राणासाही घाटी का ये एरिया है और यहाँ पे अक्सर जो है ट्रक्स आपको इस तरह से रोड पे दिख जाएंगे और इस एक छोटे से पैच पे आपको थोड़ा सा जाम देखने को मिल सकता है। इधर अगर हम लोग जाते हैं तो इधर हमको जोड़ा का जो टाउन मिलेगा और हम लोग चलेंगे सीधे, क्योंकि हमें जोड़ा घुसना नहीं है, हम बाईपास से होकर के सीधे बिलईपदा चलेंगे और वहां से फिर हम लोग चलेंगे मुर्गा महादेव। हम लोग फिलहाल चढ़ चुके हैं इस ओवर ब्रिज के ऊपर और इस ओवर ब्रिज को क्रॉस करते ही बिलईपदा टाउन जो हमें दिख जाएगा एंड देन वहां से हम लोग लेफ्ट लेंगे और चलेंगे मुर्गा महादेव की ओर। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं बिलईपदा चौक पे और यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड में मुर्गा महादेव 7 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट टर्न एंड चलेंगे सीधे मुर्गा महादेव। ओ भाई साहब, यहाँ से तीन तीन रास्ता देखने को मिल रहा है, किधर जाना है अपने को?
तो हम आकर के इस चौराहे पर पहुंच चुके हैं जहां पे हम लोगों को तीन रास्ता देखने को मिलता है, एक इधर, एक उधर एंड एक इधर। अब हमें ये पता ही नहीं कि हमें जाना किधर है। आई थिंक ये वाला रोड है, आई थिंक यही रोड है। तो ठीक है, चलते हैं इसी रोड पे आगे चलते हैं। भैया मुर्गा महादेव किधर? मुर्गा महादेव सीधा सीधा ना, ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, इसी रास्ते पे हमें सीधा जाना है। और मैप में दिखा रहा था यहाँ से करीब 6 किलोमीटर, तो चलते हैं। अभी बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं हम लोग मुर्गा महादेव के। तो हम लोग एक बार फिर से रास्ता भटक चुके हैं। सामने हमें एक पंडित जी दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम रास्ता पूछेंगे। नोना, ये मुर्गा महादेव मंदिर का रास्ता किधर है? मुर्गा महादेव ये सीधा, ठीक, थैंक यू। तो हम लोग गलत रास्ते पे चले गए थे, हमें जाना है इस रास्ते से। आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा सा एक प्लांट है, और यहाँ का जो नज़ारा क्या ही बताएं यार। आई थिंक ये ज़रूर आयरन प्लांट ही होगा, क्योंकि बड़बिल जोड़ा में तो सिर्फ आयरन का ही, जितना भी है प्लांट सब आयरन का ही प्लांट है। ओए ओए ओए, ये धवलेश्वर सरकारी स्कूल। तो हम लोग पहुंच चुके हैं धवलेश्वर, और अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मुर्गा महादेव का मंदिर। ओके, तो हम लोग आके पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है गेट क्लोज है अभी। आई थिंक यहाँ से अभी ट्रेन जाएगी, तो थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाते हैं। तो ट्रेन जा चुकी है और अब इंतज़ार है गेट के खुलने का। चलो भाई खोल भी दो। वॉइस इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगा गाइस, पर यहाँ पे जो हम लोगों से छोटी सी गलती हो गई थी। पीछे जो हम लोग फाटक पे रुके थे, तो वहाँ पे मैंने कैमरा कुछ देर के लिए ऑफ़ कर दिया था, एंड देन वापस जब मैंने कैमरा ऑन किया तो मैं उस पर एक्सटर्नल माइक को कनेक्ट करना ही भूल गया था, जिसके वजह से जो है वॉइस जो है क्लियरली रिकॉर्ड नहीं हो पाई, और उस वजह से जो है मैं इस क्लिप के ऊपर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल जो पीछे मैंने मैप में देखा तो हम लोग मंदिर से जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर ही थे, तो इसलिए जो है हम लोगों ने चलना शुरू कर दिया आगे। और ये जो आप सामने नज़ारे देख रहे हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा था हमारे सामने, तो हम लोग इसी नज़ारे को फॉलो करते चले गए। एंड थोड़ी देर के बाद जब हमने फिर से मैप में देखा तो हम लोग बस 900 मीटर की दूरी पर ही थे, जो कि सिर्फ 2 मिनट का रास्ता दिखा रहा था गूगल मैप में। और यहाँ पे गाइस एक्साइटमेंट लेवल जो बढ़ गया था, भाई साहब क्या ही फील हो रहा था। और धीरे धीरे करके हम लोग जो है मंदिर के गेट तक पहुँच गए। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये मंदिर का गेट है हमारे सामने, और हम लोग इसके अंदर प्रवेश करते हैं। और इसके इस गेट से अंदर आने के बाद जो आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, क्या ही बताएं यार। इस गेट से अंदर आते ही जो हमारे सामने जो नज़ारा जो हमें दिखाई दिया, चारों तरफ जंगल जंगल, और एक अलग ही लेवल का यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस हो रहा था। अगर आप कभी आओगे यहाँ पे तो आप भी इस एक्सपीरियंस को ले सकते हो। तो हम लोग इसी तरह से इस मार्ग पे आगे बढ़ते चले गए। तो इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं मुर्गा महादेव मंदिर। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मुर्गा महादेव शिव मंदिर पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हो मंदिर का नज़ारा।
ये है श्री श्री मुर्गा महादेव मंदिर, सामने मंदिर है। हम लोग चलेंगे अंदर, भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी करेंगे। शिव के लाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव के लाशों के वासी, धौली धारों के राजा। सो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। आप लोगों ने इस पार्ट वन में देखा हम लोग किस तरह से अपने घर से निकल करके मुर्गा महादेव तक पहुँचे, और सेकंड व्लॉग में आपको दिखने को मिल जाएगा हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट व्लॉग में आप ज़रूर आना, क्योंकि आपको दर्शन करने को मिलेगा भोलेनाथ का। तो चलिए फिर चलते हैं, इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी यंग, बाय। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर, कैसी है लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, पर